यूपीएससी परीक्षा बांगला साफल्य दो नम्बरे अंकिता यूपीएससी दो नम्बरे कोलकाता अंकिता अग्रवाल यूपीएससी 94 नम्बरे मेदिनीपुर शहरे इंद्राशीष दत्त यूपीएससी शीर्षे श्रुति शर्मा रैंकिंग 3 नम्बरे गामिनी सिंगला বছর আমার 318 র্যাঙ্ক এসেছিল সেই র্যাঙ্কের ভিত্তিতে আমি ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে সিলেক্টেড হয়েছিলাম তো এবারে আমি আমার র্যাঙ্ক ইমপ্রুভ করতে পেরে যথেষ্ট আনন্দিত যত আগে মানুষ এই পরীক্ষার এবং এই আইএএস আইপিএস এর ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন তত আগে তারা প্রিপারেশন শুরু করতে পারবেন এবং এই জার্নি খুব কঠিন তাই এই জার্নিতে লেগে থাকতে হবে এবং কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য পাওয়া সম্ভব ब्रेक्स भी लेती रहती थी तो आई थिंक मेरा पर्सनल स्टडी स्टाइल ऐसा ही था कि मैं पढ़ने के बाद मुझे चाहिए होता था कुछ ब्रेक या फिर मैं जाती आती फ्रेंड्स के साथ भी पर एक सॉर्ट ऑफ ब्रीदर चाहिए था ब्रीदर के तौर पर क्या करते थे ब्रीदर के तौर पर मैं मुझे पोएम्स पढ़ना पसंद है मुझे पोएट्री सॉरी मुझे मूवीज देखना पसंद है तो ये मैं करती हूँ बाकी मुझे वॉक्स लेना बहुत पसंद है तो जब भी मेरा मन करता था मैं वॉक लेने चली जाती थी मेरी ट्रेनिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में हुई है जिसमें मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड जो काम होता है वो आपको आईएएस में करने का मौका ज़्यादा मिलता है दूसरा मेरी इच्छा थी कि मैं ग्रास रूट्स पे काम करूँ तो that opportunity also I will get more in the Indian administrative services. Emotionally भी और studies में भी मेरी पूरी help मेरे father ने मेरे साथ मिलके की है काफी newspapers वो पढ़ते रहे हैं और उन्होंने mark कर करके दिए हैं ताकि मेरा time save किया जा सके और मेरे brother मेरी mother इन सब ने emotionally मुझे बहुत ज़्यादा support किया है morally बहुत support किया है और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा ने इवन स्टैटिक की बुक्स भी पढ़ी मेरे साथ ताकि वो मुझे सजेस्ट कर सकें गाइड कर सकें डिस्कस कर सकें শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রুতি শর্মা অঙ্কিতা আগরওয়াল গামিনী সিংলা ঐশ্বর্য বর্মাকে অভিনন্দন 2021 সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম চারজনকে অভিনন্দন তোমরা আমাদের গর্বিত করেছো টুইট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ठीक है।